टेलीविजन की खूबसूरत एक्ट्रेस और चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी युविका चौधरी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिसके बाद बवाल मच गया है। दरअसल युविका चौधरी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में युविका चौधरी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हैशटैग अरेस्ट युविका चौधरी ट्रेंड करने लगा है। इस ट्रेंड के जरिए लोग युविका को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल युविका चौधरी ने YouTube पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में युविका के पति प्रिंस नरूला का हेयर कट हो रहा था। युविका वीडियो में प्रिंस के नए लुक के बारे में बात करती नजर आती हैं। इस वीडियो में युविका कहती हैं कि उन्हें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अच्छे से तैयार हो सके। इसी दौरान वो जाति सूचक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और इसी बात पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हैशटैग अरेस्ट युविका चौधरी ट्रेंड कर लोगों ने युविका को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि इस आलोचना के बाद युविका ने लोगों से माफी मांगी है। युविका ट्वीट करते हुए लिखती हैं, हेलो दोस्तों, मैंने आखिरी वीडियो ब्लॉग में जिस शब्द का इस्तेमाल किया था मुझे उसका सही मतलब नहीं पता था। मेरा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं था। मैं किसी को परेशान करने वाला काम नहीं कर सकती। मैं हर शख्स से माफी मांगती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी मेरी बात को समझोगे। सभी को प्यार। हालांकि युविका चौधरी ऐसी पहली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर विवाद में फंस चुकी थी। फिर उन्होंने भी माफी मांगी और इसी दौरान सोशल मीडिया पर हैशटैग अरेस्ट मुनमुन दत्ता ट्रेंड किया था। यही नहीं, एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के खिलाफ हरियाणा के हांसी क्षेत्र में नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कालसान ने FIR भी दर्ज कराई थी। इसके बाद एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के चलते ट्विटर पर माफी मांगते हुए लिखा, ये एक वीडियो के संदर्भ में है जिसे मैंने पोस्ट किया था, जहां मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द का गलत मतलब निकाला गया। इस शब्द का इस्तेमाल करके मेरा मकसद किसी को अपमान, धमकी या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। जैसे ही मुझे शब्द के अर्थ के बारे में पता चला तो मैंने तुरंत वीडियो के उस हिस्से को निकाल दिया। मेरे लिए हर जाति, पंथ, लिंग का व्यक्ति समान है। बात एक्ट्रेस युविका चौधरी की पर्सनल लाइफ की करें तो वो प्रिंस नरूला की पत्नी है और प्रिंस नरूला बिग बॉस के विनर रह चुके हैं। युविका अभी तक अम्मा, कॉमेडी क्लास, दफा 420, अस्तित्व एक प्रेम कहानी, लव स्कूल जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। युविका चौधरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर भी वो आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हैं। लेकिन यूट्यूब पर शेयर किया गया ये वीडियो अब बवाल बन गया है।